वी वर रीडिंग द चैप्टर कुंभ मेला इन प्रयागराज. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कुंभ मेला इन प्रयागराज, और मैं आपको इस चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करके बता रहा था. और आई होप आपको पार्ट वन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब हम पढ़ते हैं पार्ट टू को. अगर आपने अभी तक पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पार्ट वन पहले देख लो, फिर आप पार्ट टू देखना स्टार्ट करना. चलो अब मैं इस वीडियो को पढ़ने स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट करता हूँ. ऑल्सो नो वन इन्वाइट्स एनी वन टू कुंभ मेला. कुंभ मेला में कोई भी किसी को इन्वाइट नहीं करता, यानी कि निमंत्रण नहीं दिया जाता. पीपल रीच द साइट ऑन देयर ओन. लोग खुद यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए. इट इज़ प्राइमरली अ गैदर ऑफ सेजेस एंड सेंट, बट कॉमन पीपल, पब्लिक एंड ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग फॉरेन गेस्ट्स टर्न्ड आउट इन ह्यूज नंबर. और यहाँ पर मेनली जो है ना, साधु संत आते हैं स्नान करने के लिए, और साथ ही कॉमन पब्लिक यानी कि आम लोग भी आते हैं, एंड ट्रैवलर्स यानी कि जो यात्री हैं वो भी आते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन गेस्ट, विदेशों से भी लोग आते हैं. और जब ये सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है. द मेला इज बेसिकली अबाउट सेंट्स, साधुस एंड मिस्टिक्स हु गैदर एट कुंभ टू डिलिबरेट ऑन टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स. और यहाँ पर बेसिकली ये मेला में बेसिकली जो है साधु संत और जितने भी तांत्रिक हैं वो सभी गैदर होते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, लाइक पॉलिटिक्स और भी बहुत सारी बातें. पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की बातें. द इम्प्रेशन अमंग द पब्लिक इज दैट इट इज टू क्राउडेड एंड डिफिकल्ट टू अटेंड द गैदरिंग. व्हेन आई पोस्टेड पिक्चर फ्रॉम द कुंभ ऑन माई फेसबुक प्रोफाइल, आई गॉट प्राइवेट मैसेज विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स विथ रिक्वेस्ट टू शेयर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कुंभ मेला. और यहाँ पर ये जो ब्लॉग पोस्ट लिखी है वो कह रही है कि जब मैंने कुंभ मेला का एक पिक्चर शेयर किया था फेसबुक पे, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें पर्सनली मैसेज किया और पूछा कि और भी बातें बताइए कुंभ मेला के बारे में. तो अब है व्हेन टू विजिट, आप कब कुंभ मेला विजिट करोगे. द प्रयागराज कुंभ मेला इज हेल्ड फ्रॉम 15th to January 15th to March 4th 2019. हाउएवर देयर आर सिक्स स्पेशल डेट्स, January 15, January 21, February 4, February 10, February 19 and March 4, नोन एज शाही स्नान, यानी कि स्पेशल बात. तो कुछ ये सारे डेट हैं या इसी वक्त स्टार्ट होता है ये मेला. This is when the Akharas religious sects take bath in procession, मतलब सभी झुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं. And millions gather at the Sangam, और नदी का जहाँ संगम होता है, गंगा नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदी, इस तीनों नदी के संगम में लोग स्नान करते हैं. If you wish to have a peaceful experience, don't go within a few days of the Shahi Snan. और अगर आपको शांति से स्नान करना है तो शुरुआत के दिनों में आप मत जाया करो नहाने के लिए. अलाउ द क्राउड टू गेट इन एंड गेट आउट ऑफ द सिटी ऑन दीज बिग डेज एंड देन विजिट द मेला. और यहाँ पे बता रही है ये कि पहले जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उन्हें सभी को नहाने दो, और फिर जब सभी नहा कर सभी पूजा पाठ कर चले जाएंगे फिर वहाँ विजिट करो. ऐसा इसलिए बोल रही है ताकि भीड़ कम हो जाएगा बाद में. You will still get the experience minus the crowd, और crowd कम हो जाएगा पहले के मुकाबले. Visiting during the शाही स्नान, अगर आप शाही स्नान के वक्त पे अगर विजिट करते हो, वहाँ जाते हो कुंभ मेला, तो कैसा सीन रहता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. I was at कुंभ for the February 4 मौनी अमावस्या शाही स्नान. और ये जो है जो लिखी है ब्लॉग पोस्ट वो 4 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन चली गई थी. वी एंटर्ड प्रयाग ऑन फेब्रुवरी 2nd एंड वी फेस्ड अ ट्रैफिक जैम टू गेट द इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी, बट इट वॉज स्टिल लाइवेबल.
However, if we had tried to enter on the day of the Shahi Snan, it would have been a logistical nightmare as there would be a huge traffic restriction in place to manage the flow of people. और अगर शाही स्नान के टाइम में अगर कोई जाना चाहेगा, जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन अगर जाना चाहेगा तो वो एकदम नाइटमेयर मतलब बुरे सपने के जैसा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस यानी कि ट्रैफिक जैम लग जाते हैं ना, तो इसलिए बहुत सारे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, पाबंदियाँ लगी रहती है इन प्लेस टू मैनेज द फ्लो ऑफ पीपल, लोग आ जा सके उसके लिए. If you wish to enter on the day of Shahi Snan, be prepared to walk a lot on foot. और अगर आप शाही स्नान के दिन आना चाहते हो तो आप prepared रहो, कि मतलब आप तैयार रहो पैदल चलने के लिए, क्योंकि जो vehicles होता है उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है. We, however, tried to exit Prayagraj on the day of Shahi Snan. और फिर इस दिन ये सब निकलना चाहिए शाही स्नान के दिन, that is 4th February. It was a nightmare. नाइटमेयर का मतलब बुरा सपने के जैसा. वी न्यू देयर वुड बी अ ह्यूज ट्रैफिक जैम इफ यू ट्राई टू क्रॉस ओवर वाया द सिटी. और इन्हें पता था, इन लोगों को पता था कि अगर ये सब शहर की ओर से निकलना चाहेगा तो बहुत ट्रैफिक मिलेंगे इन्हें. सो द ऑर्गेनाइजर्स टुक अ डिटूर विच इन द एंड टर्न आउट टू बी द 160 किलोमीटर. इट took us close to 14 hours to reach Lucknow from Prayagraj in back-breaking bus journey. और फिर पीठ तोड़ने वाली बस जर्नी 14 घंटे में इन लोगों को प्रयागराज से लखनऊ तक पहुंचाया. Hence my recommendation. यहाँ पर ये कह रही है, ये सुझाव दे रही है, if you are planning to go during the Shahi Snan, अगर आप Shahi Snan के वक्त पे जाना चाहते हो प्रयागराज, गेट इन 2 days बिफोर, और 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाओ, एंड लीव आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद वहाँ से निकलो, सो दैट द क्राउड हैव डिस्पर्स्ड, ताकि जो क्राउड है, भीड़ है, वो डिस्पर्स्ड हो जाए, मतलब सभी अपने अपने जगह चले जाएँ और भीड़ कम हो जाए. विजिटिंग ड्यूरिंग द अदर डेज, अगर आप अदर डेज में जाओगे, शाही स्नान के टाइम पर नहीं जाओगे, तो क्या सीन रहेगा उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. If you visit during the other days, you will still find a lot to do, minus the insane crowd. You can drive in to the tent cities with relative easy. If you plan to stay in the city and visit Kum, it is still feasible. Feasible मतलब कोई चीज़ आसानी से हो जाए. Do take a look at the traffic plan offered by the Mela authorities. और बताया गया है कि जब आप शाही स्नान के बाद कभी भी जाओगे, अदर डेज में जाओगे, तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, ठीक है, पहले के मुकाबले. और आप वही ट्रैफिक रूल फॉलो करो जो मेला अथॉरिटी, वहाँ का जो रूल निकाला गया है कि ऐसे ऐसे रास्ते से जाना चाहिए, उसी रास्ते से जाए. वेयर टू स्टे, अब हम पहुँच गए तो हमें ठहरना कहाँ पे है, रुकना कहाँ पे है रात में. वी स्टे, वे लोग रुके थे एट द इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी, which I believed is the costlier option. मतलब ये महंगा option है. It is also far from the mela, और ये मेले से भी बहुत दूर है. But they have e-rickshaw to play guests from the tent to the nearest pontoon bridge. ठीक है, pontoon bridge क्या है मैं बताता हूँ. देखो यहाँ लिखा हुआ है small नीचे पॉन्टलून, स्मॉल फ्लैट बोट और मेटल स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू सपोर्ट अ ब्रिज टेम्परेरली. तो यहाँ पे क्या है गया है कि वो ई रिक्शा, ये जो टोटो होता, तो वो टोटो जो है वो पहुँचा देता पॉन्टून ब्रिज, मतलब नियरेस्ट पॉन्टून ब्रिज, और फिर यहाँ से आप वो बोट पे बैठ जाओ और फिर वहाँ से चल जाओ. ऑन ऑर्डिनरी डेज, आम दिनों में स्टेइंग इन द सिटी इज़ ऑल्सो गुड आइडिया, आम दिनों में आप शहर में भी रुक सकते हो. You can visit the Mela ground during the day and get away to the relatively quiet place afterward. आप सुबह में मेला घूम लो और फिर आप अपने होटल वापस चले जाओ. Quiet place मतलब शांति एरिया. For truly adventurous soul, there are public accommodations that can be booked at the site for 100 to 200 rupees. और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर धर्मशाला जैसा, धर्मशाला होता है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग रहता है, वहाँ पर लोग स्टे करते हैं.
तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि फॉर ट्रूली एडवेंचरस सोल देयर आर पब्लिक एकोमोडेशंस दैट कैन बी बुक्ड एट द साइट फॉर 100 to 200 rupees, 100-200 रुपए में धर्मशाला भी बुक करके लोग रह सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर द मेला ग्राउंड, अब मेला अब कैसे पहुंचोगे, तो देयर आर पॉन्टून्स ब्रिजेस टू गेट इन टू द कुंभ मेला। इट मे हैपन दैट वेन यू विश टू क्रॉस ओवर द ब्रिज नियरेस्ट टू यू माइट बी क्लोज्ड, देयर आर थाउजेंड ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड, बहुत सारे वहाँ पर पुलिस भी रहते हैं। CCTV कैमराज आर यूज टू कंट्रोल बोथ द क्राउड एंड द ट्रैफिक, और CCTV कैमरे की मदद से वहाँ का ट्रैफिक और क्राउड यानी कि भीड़ को नियंत्रण किया जाता है। इट इफ द एडमिनिस्ट्रेशन फील्स दैट द ग्राउंड आर गेटिंग टू क्राउडेड, और अगर पुलिस लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है, दे मे क्लोज अ फ्यू ब्रिजेस, तो वो कुछ ब्रिजेस यानी कि पुल को बंद कर देते हैं टू मैनेज द क्राउड। प्लीज बेयर विद देम एंड कोऑपरेट विद देम, मतलब यहाँ पे लिखा गया है ये बात कि आप उनके साथ बहुत सहयोग के साथ रहें और उनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है, उनकी बात सुने और जैसा वो बोले, जो वहाँ की पुलिस हैं, जो वहाँ पे कंट्रोल कर रहे क्राउड को, उनकी बात को सुनना है हमें। फिर है द एक्सपीरियंस, कैसा था एक्सपीरियंस, अनुभव। आई वॉकड अलॉन्ग द कुंभ मेला साइट एक्सटेंसिवली विथ माई मीडिया ग्रुप एंड टू गाइड्स कुणाल एंड सतीश। तो ये मैम जो लिखी है ये ब्लॉग पोस्ट, वो अपने दो मीडिया दोस्त के साथ गई थी और दो गाइड, गाइड जो होता है वो चीज़ें बताता है, और इनके गाइड का नाम था कुणाल और सतीश। एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ वॉट आई सॉ, और वह बहुत खुश हुई जो वो देखी। द मेला ग्राउंड आर क्लीन एंड इफ यू विश टू क्लिक अ पिक्चर ऑलमोस्ट ऑलवेज यू विल गेट अ टॉयलेट इन द व्यू, और हर तरफ मतलब टॉयलेट था, ठीक है। इफ यू आर वरीड ऑन अकाउंट ऑफ द क्लीननेस, डोंट द मेला इज रियली क्लीन, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेला में बहुत गंदगी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मेला जो था वो बहुत साफ सुथरा था। इट वॉज क्राउडेड येट मैनेजेबल, बहुत ज़्यादा भीड़ था बट मैनेजेबल था। आई हैड नो ट्रबल इन वॉकिंग, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था चलने में। थैंक्स टू द क्राउड मैनेजमेंट डन बाय द पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज, और यहाँ पर ये थैंक बोल रही है, धन्यवाद कर रही है, जो इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल कर रहा था। वी सॉ प्लेंटी ऑफ साधुज, और यहाँ पे बहुत सारे साधुज थे। द एरिया इज ह्यूज, बहुत बड़ा एरिया था। सो इन आवर लिमिटेड टाइम, तो कुछ समय में, वी सॉ ओनली अ फ्रैक्शंस, हमने बहुत कम देखा। बट वॉट आई सॉ श्योरली मेक मी वॉन्ट टू गो बैक फॉर मोर, और जो जितने भी चीज़ें मैंने देखे, मुझे फिर से यहाँ पर आने का बहुत इच्छा हो रहा है। टेकिंग अ डीप इन द रिवर गंगा, फिर गंगा गंगा जी में स्नान करना यानी कि डुबकी लगाना। आई पर्सनली डिड नॉट टेक अ डीप, ये जो लिखी है ये खुद नहीं नहाई, ओनली स्प्रिंकल द वॉटर ओवर मी एंड माई प्रीसियस स्टोरी टेलिंग टूल्स, और इसने ये खुद गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई, बस इसने थोड़े से पानी लेके छिट्टे अपने बॉडी के ऊपर डाल दिए। बट इफ़ यू विश टू डू सो इट कैन बी डन, पर अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। टेंट सिटीज लाइक इंद्रप्रस्थ हैव देयर ओन प्राइवेट घाट, और जो टेंट सिटी जैसे कि इंद्रप्रस्थ जो है वहाँ पर खुद प्राइवेट घाट है, ठीक है, खुद का प्राइवेट घाट है। द पब्लिक घाट ऑन नन शाही स्नान डेज आर नॉट टू क्राउडेड, ऑन शाही स्नान डेज यू विल हैव टू वेट योर टर्न एंड ब्रेव द क्राउड, अंदीना क्राउड नहीं रहता, भीड़ नहीं रहता, पर जिस दिन शाही स्नान का दिन रहता ना, उस दिन आपको लाइन में लग के गंगा जी में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। I am not expert on the water qualities, मैं कोई expert नहीं हूँ पानी का quality को लेके, but I can assure that sewerage management is in place. Also the Ganga is a mighty flowing river, not a pond. But beyond this, I have no idea about the water quality. और यहाँ पर बता रही है कि जो जैसे कि गंगा जी का पानी है वो हमेशा बहते रहता है, जिसके कारण कि वो पानी साफ रहता है। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर रही है कि ये कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं है ओवरऑल, तो
ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्या कहना चाह रही है, दिस इज माई फर्स्ट विजिट टू कुंभ मेला, ये उनका जो ये स्टोरी लिखी है उनका ये फर्स्ट विजिट था कुंभ मेला में, सो आई एम नथिंग टू कंपेयर इट विथ, तो इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि ये तुलना कर सके किसी और मेले के साथ, बट आई हैव कम बैक इम्प्रेस्ड, बट वो जब वापस आई तो वो बहुत खुश होकर आई, द लेवल ऑफ क्लीनिनेस इज कमेंडेबल, और जो साफ सफाई था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, आप कह सकते हो कि वो तारीफ के लायक था, देयर इज क्राउड बट देयर इज मैनेजमेंट टू, बहुत ज़्यादा भीड़ था पर जितने भी भीड़ थे सभी नियंत्रित थे, नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल्ड थे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा से आ रहा होगा समझ में, कुछ लास्ट के पैराग्राफ हैं, इसे पढ़ के हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई ऑलवेज थॉट डेट आई कुड नॉट गो टू द कुंभ ऑन माई ओन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद से कभी कुंभ मेला जाऊँगी, बट आई नाउ थिंक आई कैन प्लान अ ट्रिप माई सेल्फ, और मैं अब ये सब सोच रही हूँ कि मैं कुंभ जाऊँ फिर से, विथ ऑल द डिस्कशन गोइंग अराउंड द होम अबाउट कुंभ माई डॉटर यस्टरडे आस्क्ड मी, तो ये सारी डिस्कशन चल रही थी कि कुंभ में कितना भीड़ लगता है, कैसे जाना चाहिए, ये सारी बातें घर पर हो रही थी, तभी इनकी बेटी पूछी, सो मॉम, तो मम्मा, हैव यू गॉट रीड ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स नाउ, तो क्या अब आप अपने सारे जो बुरे आदत थे उससे आपका छुटकारा हो गया, आई विश इट वॉज ईजी, इट वॉज दैट इट इज़ी, बट कुंभ मेला हैज़ क्लियरली मेड मी एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, पर ये जो कुंभ मेला था ये एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ दिया था ये ऑथर पे, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी, आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, और अब आप क्वेश्चन आंसर्स इसका देखना और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, वीडियो हम अपलोड कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूँगा, और कैसा लगा आपको वीडियो आप प्लीज़ ये भी बताइएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।